बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस। ऑटोकैड कोर्स के इस वीडियो में आज हम ब्लॉक कमांड को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉक कमांड का काम क्या होता है। तो ब्लॉक कमांड ड्रा मेन्यू की कमांड है। ब्लॉक कमांड का मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने का काम करता है। ये मतलब कि ये यूनियन का काम करता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट अगर आपके अलग अलग है तो उनको एक जान बना के उनको सेलेक्ट करना, ये ब्लॉक कमांड का काम है। जिसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट इनको एक साथ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्लॉक कमांड इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल से आपको मैं बताता हूँ। ब्लॉक कमांड की जो शॉर्ट की है वो है जी बी, ठीक है। तो और ये ड्रा मेन्यू की कमांड है। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो आप यहाँ से ड्रा मेन्यू के ड्रा में आएँगे। ड्रा मेन्यू में तो ये देखें जी, ब्लॉक कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसके ये यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल बन गई हमारी, ठीक है। ये हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए जी, ये चारों इसके जो लाइनें हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, यक जान है। और अगर हम इसको ऐसे ही रेक्टेंगल अगर एक लाइन के थ्रू बनाते हैं तो ये देखें जी, ये देखें, तो अगर हम इनको सेलेक्ट करें तो ये देखें जी, ये सारी मुख्तलफ अलग अलग लाइनें हैं और ये मुख्तलफ है। तो अगर अब हम इनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम बी इंटर करेंगे इसकी शॉर्ट की, या फिर यहाँ से ड्रा मेन्यू। तो मैं बी इंटर कर देता हूँ जी। ये देखें जी, ये बी कमांड लाइन में बी लिख दिया, बी करने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये देखें जी, यहाँ पे हमने अपने ब्लॉक का नाम लिखना है, कोई भी आप लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैड लिख लिया जी, ठीक है। कैड लिखने के बाद यहाँ से ये देखें जी, ये जो मैं आपको सेटिंग बताऊँ सिर्फ आपने वही करनी है, उसके अलावा कोई नहीं करनी। अगर मज़ीद सेटिंग को करेंगे तो वो आपके काम ख़राब हो जाएगा, तो दूसरी सेटिंग को नहीं आपने छेड़ना। तो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करेंगे। तो ऑब्जेक्ट याद रखें, जो आपने ऑब्जेक्ट को ब्लॉक करना है, मतलब एक जान करना है, सबको इकट्ठा सेलेक्ट करना है, वो ही करना है। दूसरा जो आपको नहीं चाहिए वो नहीं करना। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम इंटर करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारा हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, ये देखें जी, ये एक्स वाई जी यहाँ पर 0 0 है। तो हम यहाँ से कोई पिक पॉइंट करेंगे, तो हम इसका एक्स पॉइंट, इसको पिक पॉइंट करते हैं, इसका हम एक्स पॉइंट कर देते हैं। तो ये यहाँ से या कहीं से भी, ये देखें जी, ये हमारा ये पॉइंट शो नहीं कर रहा। अगर आपका भी नहीं कर रहा तो आपने यहाँ से आके इसको ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ से आके ऑन कर लेना है, ठीक है। ये ऑन हो गया तो ये देखें जी, अब हमारा ये शो कर रहा है। तो अब मैं यहाँ से इसको ये पॉइंट दे दूँगा, ठीक है। ये पॉइंट देने के बाद ये देखें जी, फिर डायलॉग बॉक्स, बस यही काम था हमारा। और हम यहाँ से आकर इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये वो कहता ऑलरेडी है। ये देखें जी, ये हमारा ब्लॉक हो गया, पहले लाइनें थी तो ये ब्लॉक हो गया। तो अब हम इसको दोबारा से करके आपको ड्रा मेन्यू में से दिखाते हैं। तो ये देखें, ये दोबारा से फिर से है। तो अगर आप इसको यहाँ से ड्रा मेन्यू में से आकर यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लॉक कमांड, तो इसको सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें जी, वही हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद पिक पॉइंट करेंगे, ये पिक पॉइंट कर दिया और सिर्फ ओके कर देंगे, ठीक है। नाम नहीं लिखा तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये देखें जी, ये हमारा हो गया है। तो ये थी बहुत ही सिंपल ब्लॉक कमांड। एक और मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही हमारी है तो इसके मैं कोई ये सर्कल लगा लेता हूँ, ये रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, तो ये देखें जी, ये अब हमारे सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट है। अब आप चाहते हैं कि अब इनको सबको इकट्ठा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जैसा कि आपको पहले बताया, अगर शॉर्ट की इसकी है बी और यहाँ पे, तो मैं आपको शॉर्ट के साथ बता देता हूँ। तो इसके हम इसको सबको एक जान ब्लॉक करने के लिए हम इसको बी करेंगे,
बी करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ब्लॉक डेफिनेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ब्लॉक ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नाम लिखने के बाद दूसरा काम आपने यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ये अब आपने सारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है तो इसको सारे को सिलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ से इसको स्पेसिफाई, ये मतलब इसका कॉर्नर सेलेक्ट करना है, पिक पॉइंट सेलेक्ट करना है एक्स पॉइंट। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो अब हम इसको कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये देखें। तो फ्रेंड ये थी ब्लॉक कमांड, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।